नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजुअल सी प्लस प्लस की। विजुअल सी प्लस प्लस विजुअल स्टूडियो स्वीट में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम इसमें आज एक विंडोज फॉर्म बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। और इस फॉर्म में किस तरीके से हम कंटेनर यूज़ करते हैं, कैसे नॉर्मल कंट्रोल्स यूज़ करते हैं और इन कंट्रोल के बैकग्राउंड में किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है, इसका मैं एक शॉर्ट मिनी प्रोग्राम आपको बताऊंगा, प्रोजेक्ट बताऊंगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि आपके पास विजुअल स्टूडियो 2008 या विजुअल स्टूडियो 2010 होना चाहिए, 2006 में भी हो जाएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है ये 2008 के ऊपर ही चलेगा। तो आप ऐसे 2008 पे आइए। ये विजुअल स्टूडियो है, इट इज़ अ स्वीट। तो जो हम विजुअल सी प्लस प्लस की मैं बात कर रहा हूँ वो इसके अंदर है। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे जाइए, इसको क्लिक करिए और ऑलरेडी देखिए हमने ये एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है। और ये जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से चलेगा। होगा क्या कि हमारे पास कुछ कार के ऑप्शंस होंगे और इन कार के ऑप्शंस में जैसे ही हम यू क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो जैसे फिएट है और अगर मैं फिएट की कोई क्वांटिटी डालता हूँ 2, तो यहाँ पर मैं टोटल करूँगा तो कॉस्ट आ जाएगी इसकी। ये क्वेश्चन मार्क है कि इस पर्टिकुलर में इस प्रोग्राम में एक्चुअली में करना क्या है। तो हम क्वेश्चन ये क्वेश्चन मार्क करके हम एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जो भी वैल्यू आ गई इसको हटाना है तो रीसेट कर सकते हैं और जब प्रोग्राम से प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाए तो हम इसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक नया हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले मैं इसको क्लोज़ कर दूं, इस क्लोज सॉल्यूशन करके इसको। जैसे ही हमने क्लोज़ कर दिया उसके बाद हम फाइल न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। और जैसे ही फाइल न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर CLR, विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर, ये CLR के अंदर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ध्यान दीजिए विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर, यहाँ पर CLR के अंदर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे जाना है आपको। और यहाँ पर नेम जो है यहाँ पर आपको नाम देना है। जैसे मैं आपको मेरे एक नाम दे देता हूँ कार्स, देखिए जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर सॉल्यूशन नेम भी चेंज होता है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम का नाम होगा वही आपके सॉल्यूशन का नेम होगा। .sln जो फाइल बनेगी वो कार के नाम से ही बनेगी। और इसका स्टोरेज जो होगा वो आपके माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल स्टूडियो 2008 या 2010 के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर होगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये ब्राउज ऑप्शन है, कभी कभी क्या होता है कि सी ड्राइव में आपकी राइट एक्सेस नहीं होता है तो हम ब्राउज करके अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के उसमें अपने प्रोजेक्ट रख सकते हैं। तो चलिए कार के नाम से हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये बोलता है कार्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये कार एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको एस कर देंगे ताकि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन हो जाए। प्रोग्राम बिल्कुल सेम बनने वाला है। और यहाँ पर ओके करेंगे तो आपका एक एम्प्टी फॉर्म आ गया। ये यहाँ से हमारा जो काम है वो शुरू होगा। अब देखिए कि सबसे पहले ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्म है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। यहाँ पर राइट क्लिक कर दें, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। हम चाहें इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करें, जैसे ये जो फॉर्म वन लिखा है इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप बाय कार कर दें। तो अब देखिए अगर मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए पहले बिल्ड कराने पर क्या होता है कि जो भी एरर्स वगैरह है, जो लिंकिंग है वो सब हो जाती है। उसके बाद मैं जब इसको रन कराता हूँ, ये इस तरीके से रन कराया तो ये बाय कार करके ये कुछ आ गया, एक डायलॉग कह सकते हैं, एक फॉर्म कह सकते हैं आप। बट अभी इसके पीछे इसके ऊपर ना तो कोई कंट्रोल्स है ना इसके ऊपर कोई कोडिंग है। तो हमारा जो काम रहेगा वो यही रहेगा कि हम इस पर कोडिंग करें। तो करते क्या है, हम इसमें शुरुआत करते हैं अपने कोडिंग की। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर जाइए आप, यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर, टूल बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप यहाँ से रेडियो रेडियो बटन ले लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या होता है कि एक जैसे जो काम होते हैं ना वो हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रखना चाहेंगे। तो पर्टिकुलर एरिया में रखना चाहेंगे उसके कारण क्या करेंगे,